आरजे मैथ क्लासेस में गौरव अग्रवाल आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं चालू करने वाला हूँ क्लास टेंथ का सातवां चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमितीय समसमीकरण। पर उसको चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और जाकर के बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको जो है मेरी अच्छी से अच्छी वीडियो आपको फटाफट मिलती रहे। तो चलिए चालू करते हैं आपका सातवां चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमितीय समसमीकरण। तो देखिए चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय समसमीकरण। इसके लिए सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूलाज को देख लीजिए। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा। यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में क्या होता है, व्युत्क्रम होते हैं। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा, इतने में कोई दिक्कत। इसी तरह कुछ फॉर्मूले और हम देख लीजिए बराबर कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा। सेम प्रोसेस को यूज करते हुए टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा। ये तीन फॉर्मूले एक ही फॉर्म में होते हैं, तीन फॉर्मूलों का आप याद रख लोगे। इसके बाद अगला फॉर्मूला आता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और एक और आता है इसी के बाद कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कुछ पांच फॉर्मूले हो चुके हैं। इसके बाद जो फॉर्मूले आते हैं वो असमिक समीकरण है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अगला आता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में सेक स्क्वायर थीटा, और अगला आता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में कोसेक स्क्वायर थीटा। इनको नोट कर लीजिए, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर नोट कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, सबसे पहले हम एलएचएस ले रहे हैं। तो एलएचएस ले रहा तो क्या है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, क्या होगा इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जो फॉर्मूलाज अभी मैंने लिखा है उनका ही यूज कर रहे हैं इसमें। एलसीएम लोगे आप अभी साइन थीटा कॉस थीटा, साइन के डिवाइड करोगे साइन कट जाएगा, कॉस का गुणा करोगे कॉस स्क्वायर थीटा, सेम प्रोसेस से साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। और इसको आप लिख सकते हो कोसेक थीटा सेक थीटा, ठीक है नोट कर लीजिए जरा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें आपको एलएचएस दे रखा है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा। ये आपको वन प्लस टेन स्क्वायर लिख रहे हैं, देखो ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, इसको आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। एलसीएम लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू में क्या चल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा और ऊपर वाला क्या होता है वन, नोट करिए बराबर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एग्जाम्पल थर्ड देख रहे हैं, आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले एलएचएस लेंगे, एलएचएस लेंगे तो उसको लिख लेंगे फटाफट, वन प्लस साइन थीटा प्लस वन अपॉन वन माइनस साइन थीटा। इसका आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा, वन माइनस साइन थीटा प्लस वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा। देखो साइन से साइन कट जाएगा, टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, टू अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और टू कॉस को पहले जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इधर कोई दिक्कत। अगला देख रहा है एलएचएस दे रहा है, देखो एलएचएस में आपको जो दे रखा है उसको लिख रहे हैं पहले,
में आपको ये प्रूफ करना है, इस पैटर्न के क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, इसके सही भूमिका गुणा कर दीजिए आप, तो क्या होगा, वन प्लस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा इन अंडर रूट, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व आप करोगे तो वन प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बन जाएगा और नीचे बनेगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इन अंडर रूट। इसको जो वन प्लस कॉस थीटा लिख सकते हो आप, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, अंडर रूट से बाहर आकर क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा। इसको अलग अलग कर दोगे तो वन प्लस साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हो आप, कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा, फटाफट नोट करें। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जांपल नंबर 5 है, इसका एलएचएस हम ले रहे हैं सबसे पहले, तो एलएचएस ले रहे हैं sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन, ठीक है, इसको अपन साइन और कॉस में बदलेंगे तो वन अपॉन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर चल रहा है, इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए इसका एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया, स्क्वायर को अलग अलग कर देंगे दोनों में से, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा, इसको आप लिख सकते हो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा, इसको आप लिख सकते हो वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा कट जाएगा, वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को फटाफट। ठीक है, इसको आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना, साइन और कॉस सबसे पहले है तो एलएचएस लेंगे सबसे पहले, तो एलएचएस लेने के बाद इसको एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे इसका, एलसीएम, ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, देखिए जब एलसीएम लेगा तो ये इस तरह बनेगा, ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसका आएगा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। इसको देखिए, इसमें आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा और वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ऊपर से टू कॉमन ले लेंगे आप, वन प्लस साइन थीटा से वन प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, और आपको क्या आ रहा, टू कोसेक थीटा, नोट करिए फटाफट। अगर पसंद आ रहा है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लाइक करते रहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये ना, इसको देखिए, एलएचएस लेंगे साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर से साइन कॉमन आएगा नीचे से कॉस कॉमन आएगा, तो जब ऊपर से साइन कॉमन आएगा तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा आएगा अपॉन नीचे से कॉस कॉमन आएगा तो कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन आएगा। ऊपर वाले साइन स्क्वायर थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये तो अलग हो ही गया, इसको आप वन माइनस इसको टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, लिख सकते हैं, और नीचे टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन चल ही रहा है, ठीक है,
ये जो बन जाएगा वो टेन थीटा बन जाएगा, और इसको आप वन माइनस टू प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसमें टेन थीटा, और इसको आप लिख सकते हो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इससे कट जाएगा ये, तो आपका क्या आएगा टेन थीटा। नोट करिए फटाफट, पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। देखिए आप सबसे पहले एलएचएस लेंगे, एलएचएस लोगे तो वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए हो जाएगा, सेक को आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करोगे तो वन प्लस वन अपॉन कॉस ए वन अपॉन कॉस ए, जब यहां पे एलसीएम लोगे तो वन प्लस कॉस ए, और एलसीएम जो होगा ये नीचे वाले जो कॉस ए है वो ऊपर पहुंच जाएगा, और कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या आएगा आपका वन प्लस कॉस ए आएगा। यहां पर अब आप आरएचएस लोगे, जब आरएचएस लोगे तो साइन स्क्वायर ए वन माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए को आप वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, लिख सकते, अरे बिल्कुल लिख सकते हो भैया, नहीं लिख सकते क्या, तो इसको क्या लिखोगे वन माइनस कॉस ए वन प्लस कॉस ए अपॉन वन माइनस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा आपका क्या बचेगा वन प्लस कॉस ए, यही आपका आंसर है, बराबर हो गया एलएचएस आरएचएस प्रूव हो गया। नोट करिए फटाफट, पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। देखिए ये क्वेश्चन है, इसका एलएचएस ले लो सबसे पहले, कॉस फोर थीटा माइनस साइन फोर थीटा, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसको फिर आप लिख पाओगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये वन हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। एक सेकंड, आपको स्क्वायर में चाहिए तो इसको मत लिखिए, इसको मिटा देता हूं जब तक मैं, ठीक है, ठीक है, इसको आप ये वन हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको आपको साइन में चाहिए तो इसको कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इस क्वेश्चन का एक फॉर्मूला होता है, इस क्वेश्चन का अलग पैटर्न होता है, आपको याद रखना पड़ता है। इसका एलएचएस ले रहे हैं सबसे पहले हम, तो क्या होता है कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस वन अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन, इसमें क्या करते हैं ऊपर वाले वन की जगह पे कॉट और कॉस का फॉर्मूला अरेंज कर देते हैं, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। अभी क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे फॉर्मूले से, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, इसको आप लिख सकते हो कोसेक ए माइनस कॉट ए कोसेक ए प्लस कॉट ए, और नीचे आपका जो चल रहा है वो चल रहा है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन, ठीक है, इसमें से क्या करेंगे कॉट ए प्लस वाला टर्म जब कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा कॉट ए प्लस कोसेक ए वन माइनस वन रह जाएगा माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। अभी क्या करेंगे, इसको अंदर जो भेजेंगे माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉट ए प्लस कोसेक ए वन माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, और ये क्या है कॉट ए माइनस कोसेक ए
प्लस वन। अच्छा आप देख रहे हैं ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक जैसा तो कट जाएगा, क्या आएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए। इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा इसका। नोट करिए फटाफट। देखिए इसमें जो है आपको P बराबर दे रखा है, Q बराबर देखा है। देखिए सबसे पहले देखिए LHS लेंगे, LHS लेंगे तो सबसे पहले P स्क्वायर माइनस वन करना है, तो P स्क्वायर माइनस वन करेंगे, ठीक है। P स्क्वायर माइनस वन करेंगे तो P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए इसको ऐसे करिए थोड़ा सा, इसको बिठा जब तक मैं। देखिए P स्क्वायर माइनस वन क्या है आपका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस वन। इसको जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन, ठीक है ना। ये क्या वन हो जाएगा और इसका लिख सकते टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस टू, ठीक है। ये पी स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू है, ठीक है ना। आपको एलएचएस का क्यू चाहिए, क्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे और क्यू की जगह यहां पे किसका मल्टीप्लाई होगा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का, ठीक है। यहां से टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस टू, यहां से टू कॉमन आ जाएगा सब में, तो टू कॉमन आ गया इधर। इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं तो क्या आएगा, वन अपॉन कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा। इधर आ गया आपका साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन, क्या आया इधर। इसको एलसीएम लोगे आप तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और क्या आ रहा है इधर, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन, ठीक है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये प्लस का आएगा, वन जो है प्लस का आएगा, तो क्या हुआ यहाँ पे माइनस वन और प्लस वन, तो एक कट जाएंगे, तो यहाँ माइनस टू नहीं आएगा, यहाँ माइनस टू नहीं आएगा, माइनस वन भी नहीं, टू बार चला गया, ठीक है। तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा ये, तो क्या आएगा टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा टू पी। नोट कर लीजिए फटाफट इसको, पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करते रहिए। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लेंगे, तो नाउ वन प्लस टेन स्क्वायर ए वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको दिख रहा है अगले वाले टर्म जो है आपको पूरे टेन में है, तो मैं नीचे वाले को टेन में कंप्यूट करूंगा, तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए वन प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर ए। तो यहां पे आप एलसीएम लोगे तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर ए, और जो नीचे का टेन है वो ऊपर पहुंच जाएगा टेन स्क्वायर ए, ये कट जाएगा तो आपका क्या आएगा टेन स्क्वायर ए। ये इसके बराबर आ गया, फर्स्ट टर्म थर्ड के बराबर आ गई। अब सेकंड ले रहा हूं, सेकंड में भी ये काम करूंगा मैं, वन माइनस टेन ए वन माइनस वन अपॉन टेन ए, ऊपर चल रहा है स्क्वायर, स्क्वायर से कोई मतलब नहीं हमको अभी। ये वही सेम काम होगा, वन माइनस टेन ए और यहां टेन ए माइनस वन, और इनटू में क्या चल रहा है सर इधर टेन ए, पूरे पर स्क्वायर है, इसमें से माइनस कॉमन लेके कट जाएगा तो क्या आएगा माइनस टेन ए का स्क्वायर, और माइनस टेन ए का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, आपस में तीनों बराबर हो गए। नोट कर लीजिए फटाफट, पसंद आ रहा तो लाइक करते रहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, बाकी कल पढ़ाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को लाइक करते रहिए, और बाकी धन्यवाद।